नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। जवा जनपद के रामबाग में पांडे पैलेस में सामाजिक सद्भावना संगम का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त सीएसपी बीडी पांडे रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन समाज में सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया। कार्यक्रम में सफल संचालन समाज सेवी श्रवण कुमार तिवारी ने किया। वहीं बीडी पांडे ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा समाज पूरी तरह से जाति धर्म में बिखर गया है। लोगों के पास आज बैठने के लिए समय नहीं है, इसीलिए दिन प्रतिदिन एक दूरी बनती जा रही है, जिसे इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अब हम सभी को समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम किया जाएगा। आदरणीय इंजीनियर जीना जी की दुखद मृत्यु की समाचार मिलते ही हम सब लोग जो है मन से भारी हो गए हैं। कुछ बोलने का मौका नहीं रह गया है, पर मैं ये जरूर दो शब्द कहना चाहूँगा। पानी केरा बुलबुला आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यो तारा प्रभात। मनुष्य का जीवन एक पानी के बुलबुले के समान है। कब कहाँ किस रास्ते पर जो है शाम हो जाए, ये निश्चित नहीं है। जीना जी शायद रीवा तरफ जा रही थी, उनकी जो है सुहागी घाटी में सड़क दुर्घटना में असामयिक मौत हो गई। बर्दा घाटी में उनकी असामयिक मौत हो गई। ये है मानव का जीवन। इसलिए मेरे विचार से जो भी कुछ किया जाए तो दूसरों के हित के लिए किया जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदवाई। कम से कम हम जिए तो समाज के लिए जिए, समाज के लिए कुछ करें, ये हमारे मन में हमेशा एक तमन्ना होनी चाहिए। और बस साथ में सिर्फ इतना ही जाएगा जो आपने किया है, उसके अलावा कुछ भी जाने वाला नहीं है। चाहे आप जितनी भी प्रॉपर्टी जोड़ लीजिए, चाहे अन्य कोई भी कार्य कर लीजिए, कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला है। जाएगा तो सिर्फ आपका यश, जो आपने किया है, इस समाज के लिए किया है, जनता के लिए किया है, लोगों के लिए किया है। आखिर आदमी किसके लिए करता है? आदमी इसी समाज के लिए ही करता है। सम्मानित अध्यक्ष पांडे जी, आप सभी लोग जो यहाँ संगोष्ठी का सहयोग कर रहे हैं, सब लोग अपना समय बर्बाद करके यहाँ आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग कृपया कोशिश करें, आज चूँकि बहुत गमगीन वातावरण है, एक दुखद समाचार अभी हमारे साथी ने बताया, जिससे हम लोग को अधिक कुछ न कह करके आप सबसे चाहते हैं कि ये भी एक समाज में सद्भावना की ही बात है जी। एक दूसरे के प्रति कोई दुखी होता है, दुख कोई पड़ता है, तो उसमें हम लोग सहभागी बने। इसलिए हम अब लोग इस कार्यक्रम को आगे न बढ़ा करके यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और अभी हम बीडी पांडे जी कुछ बताएंगे। अब हम आप लोगों से चाहेंगे कि आप लोग भविष्य में इसको जब यहाँ आते हैं, कुछ समय बर्बाद करते हैं, कुछ न कुछ समाज को लाभ भी होगा।